स्टार्ट करते हैं एक्जिलरी नर्व। एक्जिलरी नर्व जो होती है उसको सर्कमफ्लेक्स नर्व भी कहते हैं, और ये अराइज करती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से, हैविंग रूट वैल्यू ऑफ C5 C6। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज करती है तो ये लोअर पार्ट ऑफ द एक्जिला के अंदर होती है, और वहाँ पे इसके रिलेशंस क्या होते हैं? जब ये लोअर पार्ट ऑफ द एक्जिला के अंदर होती है तो इसके एंटीरियरली थर्ड पार्ट ऑफ द एक्जिलरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे सारा सबस्कैपुलरिस प्रेजेंट होता है जो कि ह्यूमरस के अपर एंड में इंसर्टेड होता है। तो पोस्टीरियर रिलेशन इसका सबस्कैपुलरिस होता है, मीडियन नर्व ये एक्जिलरी नर्व है, और इसके मीडियली मीडियन नर्व है जो दो रूट से मिलकर बनी है, और लेटरली कोरेकोब्रिकियलिस, यहाँ पे कोरेकोब्रिकियलिस प्रेजेंट होता है। तो ये इसके रिलेशन हैं एक्जिला के अंदर। फिर उसके बाद इसका कोर्स देखते हैं कि इसका कंप्लीट कोर्स क्या होता है। एक्जिलरी नर्व अराइज करती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से, एक्जिला के लोअर पार्ट में होती है, वहाँ से मूव करती है डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर एंटर करती है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर इसके साथ ही मूव करती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। फिर जब ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस से बाहर आती है तो ये डिवाइड हो जाती है फर्दर तीन ब्रांचेस में, एक होती है हमारे पास एंटीरियर ब्रांच, एक होती है पोस्टीरियर ब्रांच, और एक होती है सुपीरियर लैटरल क्यूटेनियस ऑफ आर्म जो इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है। एंटीरियर ब्रांच होती है ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन को ही फॉलो करती है, और वाइंड करती है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, और सप्लाई करती है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड को। जबकि जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है इसकी वो पोस्टीरियरली रहती है, और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड को सप्लाई करती है और सारा रिमेनिंग डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, साथ में ये टीटीस माइनर है इसको सप्लाई करती है। फिर है सुपीरियर लैटरल क्यूटेनियस ऑफ आर्म। जो सुपीरियर लैटरल क्यूटेनियस ऑफ आर्म है ये क्या करती है, ये आर्म के अपर और लैटरल पार्ट को सप्लाई करती है, जिसको कहते हैं सुप्रोलैटरल पार्ट ऑफ द आर्म, उसकी क्यूटेनियस सप्लाई होती है, सेंसरी सप्लाई मतलब। तो ये हो गया एक्जिलरी नर्व का कोर्स और उसकी ब्रांचेस। अब इसके क्लिनिकल देखते हैं। एक्जिलरी नर्व डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी डैमेज की दो कॉजेज हैं हमारे पास। सबसे पहले ऐसा होता है कि जब ये सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड, क्योंकि एंटीरियर ब्रांच ने इसके वाइंड किया हुआ है, तो जब कभी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो एक्जिलरी नर्व डैमेज हो जाती है, या फिर शोल्डर की डिसलोकेशन हो जाए इस तरह से, ये शोल्डर जॉइंट है, अगर इसकी डिसलोकेशन हो जाए, ये मूव कर जाए नीचे को, तो ये नर्व डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाद इफेक्ट क्या होते हैं, जब एक्जिलरी नर्व डैमेज होगी तो क्या इफेक्ट होंगे? सबसे पहले तो डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेन सप्लाई डेल्टॉइड को है, तो डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा। जब डेल्टॉइड पैरालाइज होता है तो आर्म की एबडक्शन खत्म हो जाती है, क्योंकि डेल्टॉइड मेन एबडक्टर ऑफ द आर्म है। फिर जहाँ पर इसकी सेंसरी सप्लाई होती है वहाँ पर सेंसरी सप्लाई खत्म हो जाएगी, ये लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, यहाँ पर इसकी सेंसरी सप्लाई की, यहाँ पर सेंसरी सप्लाई खत्म हो जाती है, और इस छोटे से रीजन को हम कहते हैं रेजिमेंटल बैज, ठीक है। अब इसके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देखते हैं। जब कभी हम मसल के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं तो मसल डेल्टॉइड होता है आर्म के अंदर, तो हमें कोशिश करनी होती है कि डेल्टॉइड के सेंट्रल पार्ट में जाके इंजेक्शन लगाएं, मिडल में, क्योंकि अगर हम सुपीरियरली इंजेक्शन लगाएंगे तो वहां पे एक्सिलरी नर्व होती है और वो डैमेज हो जाती है, तो इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम मिडल में लगाते हैं, ये इंजेक्शन साइट है। तो ये होगी एक्सिलरी नर्व और उसकी क्लिनिकल्स।